हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और मैं बताने वाली हूँ कि लियो राशि वालों के लिए ये वीक यानी कि 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर आपके लिए कैसे जाने वाला है और आपको ये वीक क्या देके जाने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है और जो अच्छे अच्छे उपायों के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी टिप है, तो प्लीज आप कनेक्टेड रहिए। साथ ही साथ आप मेरी पर्सनल रीडिंग्स भी करा सकते हैं। मेरी पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत नॉमिनल चार्जेस पे कर आप बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मेरा फोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप उससे मेरे साथ बहुत इजी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। अब बात करेंगे हम 15th को कैसे रहेगा लियो राशि वालों के लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रहेगा। पैसों को लेकर जो इश्यूज है वो सारे दूर होंगे, रिलीफ मिलेगा, काफी ज्यादा चैन मिलेगा। 16th को लग सकता है कि कोई आपको एक्सप्लॉइट कर गया या मन में हलचल बनी रहेगी। जिससे आप प्यार करते हैं उससे आपका कनेक्शन नहीं बन रहा है तो भी कहीं ना कहीं मन में हलचल रहती है, किसी न किसी बात को लेकर आपको चिंता बनी रह सकती है। और आप अपने नियर एंड डियर वंस के लिए भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो आप जल्दी से इम्प्लीमेंट करने की एक हालत में या सरकमस्टांस में ना हो, तो थोड़ा सा रिलैक्स और आराम से सोचकर, बहुत सोच विचार कर ही आप कोई प्लान कीजिए। 17th को आपको ये चिंताएं जो है थोड़ा सा बढ़ जाएंगी और मन में एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन बनी रहेगी कि ये काम हो नहीं रहे हैं, काम धीरे हो रहे हैं। कुछ आप अपने प्यार को भी मिस कर रहे हो सकते हैं, जिस प्यार के लिए आपने इतना कुछ किया है उसे मिस करने की जरूरत नहीं है। एक फोन कॉल या कोई भी केयरफुल बात आपको अपने प्यार के बहुत नजदीक ला सकती है। कुछ केयर करिए, कुछ अच्छी सी कोई बात कीजिए जिससे आपको लगे कि आपका प्यार भी आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। बहुत ज्यादा ड्राइनेस, डोमिनेंस या रूखापन जो है, जो आप इतने दिन से कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें चूक कीजिए और अपने प्यार वालों को अच्छे से हल कर प्यार कीजिए। तो ये तो था आपके लिए 17th को। 18th को आपको एक्चुअली अपनी चीजों का फल मिलने वाला है, क्योंकि 18th को है लवर्स कार्ड यानी कि रोमांस से भरा हुआ काम। और 18 नवंबर को आप अच्छे से रोमांटिक हो सकते हैं, रोमांस को आप एंजॉय कर सकते हैं। रोमांस आपकी लाइफ में आएगा तो आपके जो मन में फ्रस्ट्रेशन है वो दूर हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। 19th को हेरोफेंट है, ये भी एक डेस्टिनाइट कार्ड है जो ये कहता है कि ट्रिनिटी ऑफ गॉड आपके साथ है। कोई रिलीजियस रिचुअल आप करना चाहते हैं तो आप करेंगे, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करना चाहते हैं वो भी आप कर पाएंगे। अगर आप रिलीजन को एक साइड पर रखें तो स्पिरिचुअलिज्म में भी आप बहुत आगे जाएंगे। हो सकता है कि आप मेडिटेशन अडाप्ट करें, हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज अडाप्ट करें जो आप बहुत फेथफुली आप उसको आगे लेकर जा सके। अब ये तो था 19th तक। और 20th को आपको जरूरत से ज्यादा काम लगे रहेंगे, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी रहेगी, आपको पता चलेगा कि आपको बहुत सारे काम करने पड़े हैं, बहुत सारे लोगों के काम करने पड़े हैं, आपके पीएस छुट्टी पर चले जाए, आपके बॉसेस भी छुट्टी पर चले जाए और आपको उन दोनों का काम करना पड़े, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट्स का भी और अपने बॉसेस का भी, तो आपको काफी ज्यादा काम लगा रह सकता है। ये तो होगा आपके साथ 20th को। लेकिन 21st को बहुत ही वंडरफुल कार्ड है जो कि है सन, जो कि कहता है प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, प्रमोशंस। और ये कार्ड बहुत ही जबरदस्त है और मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स है, न्यू सैपलिंग्स है, न्यू सनराइज है। और सनराइज जो है वो बहुत होपफुल होता है फ्रेंड, सारे जीवन के अंधकार को मिटाकर अगर सनराइज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ बेटर और बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप ट्रांसफर को वेट कर रहे हैं तो आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है। और कोई ऐसी चीज ट्रांसफर के बिना ही आपको कोई एक और पदवी ऐड की जाए, कोई ऐसी चीज जो आपके मन में आपको लगे कि मेरी जो वर्थ है उसको जस्टिफाई कर रहा है, मैं ये काम कर सकता हूँ, आप नए किसी काम में ऐसे जाइए जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लगे, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीक जाने वाला है। एक्सेप्ट की इनिशियल वीक के 2-3 डेज है जो आपको मन में फ्रस्ट्रेशन दे रहे हैं वो भी आपकी ज्यादा
डोमिनेंस नेचर की वजह से हो रहा है, तो आपको इसमें रिलैक्स करना चाहिए। बहुत डोमिनेंट करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, वरना हम रिलेशंस को खो देते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप किसी भी व्यापारी या व्यापार करते हैं या आपकी शॉप है, तो प्लीज बीम के नीचे अपनी मेन सीट मत रखिए। बीम के नीचे भार महसूस किया जाता है और आपके ऊपर लोड आ जाता है ऊपर से, तो आप वास्तु कहता है कि आप उसको अवॉइड कीजिए। जितना आप उसे अवॉइड करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई बिजली का बटन या जनरेटर का बटन है, तो आप उसे साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही, अग्नि कोण में ही लगाइए। वहां एक रेड कलर का छोटा सा 0 वॉट का बल्ब भी आप जला के रखिए, तो आपकी जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक खुद ही फैल जाएगी और आपका जो काम है वो जल्दी से बिकेगा, आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे और आप अपनी वर्थ को ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाएंगे और आप उसे एंजॉय भी करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। मेरी पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।